यदि आप योर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जुलाई 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। इस प्रश्न पत्र से संबंधित पहले के 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन किया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। आज के इस सत्र में हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 38 तक कुल 13 क्वेश्चन हल करेंगे। यदि आप यूसेट परीक्षा 2024, यूजीसी नेट या विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाने वाली सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड, यानी इनमें से कौन सा रिसर्च स्टेप का सीक्वेंस वैज्ञानिक विधि के नज़दीक है, यानी साइंटिफिक मेथड के नज़दीक है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वीडियो देखने का वास्तविक लाभ मिलेगा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, हाइपोथिसाइजिंग, deducing the consequences of the suggested solution and testing the hypothesis in action। तो ये scientific method यानी वैज्ञानिक विधि के करीब है, sequence है research steps के। इसी को हम हिंदी में भी देखने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसे और स्पष्ट से समझ पाएंगे। तो ये था question number 26, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है। तो इसका उत्तर था समस्या की स्थिति को अनुभूत करना। सबसे पहले आप समस्या की स्थिति को अनुभूत करोगे, फिर वास्तविक समस्या की पहचान करोगे, उसकी परिभाषा समझोगे, फिर परिकल्पना करोगे यानी हाइपोथेसिस बनाओगे, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करोगे और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण करोगे, यानी जो आपकी हाइपोथेसिस थी उसे टेस्ट करोगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे हैं। यहाँ पूछा गया था, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी, यानी जो एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी होती है, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध की जो रणनीति होती है उसका कौन सा सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट कर रहा है साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च की। तो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है। आपके पास प्लान होना चाहिए, योजना होनी चाहिए, एक्ट होना चाहिए यानी उस पर वर्क होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ऑब्जर्व यानी उसका परीक्षण होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए और रिफ्लेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी को हम हिंदी में भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। तो सबसे पहले नियोजन, फिर क्रियान्विति, फिर प्रेक्षण करना और लास्ट में गहन चिंतन करना यानी रिफ्लेक्शन। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च से संबंधित अवश्य ही एक दो क्वेश्चन आते हैं, उस पर मैंने दो वीडियो बनाए हैं, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया गया है, अवश्य ही वॉच कर लीजिए क्योंकि इस टॉपिक से अवश्य क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर 28 हम पहले अंग्रेजी में देखेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छे से देखने की आप कोशिश कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर करेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर करेक्टरिस्टिक, यानी जो अधिगम करता है उसकी विशेषताओं
को हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण का प्रभाव है उससे रिलेशन कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी पूर्व का जो अनुभव है लर्नर का, अधिगमकर्ता का। तो अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? अधिगमकर्ता यानी लर्नर की कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? तो अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला अर्थात छात्र, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पूछा गया था, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन, सुधारात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन आपने सुने होंगे, ठीक है, यानी सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA और SA। केंद्रीय विद्यालयों में भी ये होता है, टेस्ट होते हैं बच्चों के निर्माणात्मक मूल्यांकन और सुधारात्मक मूल्यांकन से संबंधित। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन किसे कहा जाता है, यहाँ से कूट से आपको पहचानना है। तो जो इसका नीचे कूट दिया है वहाँ से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, B, D और F, यानी ये वाला विकल्प इसका सही है। तो बी यानी शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतः क्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सुधारात्मक प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देता है। उसके बाद डी है, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है, यानी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं टीचर उन्हें क्लासरूम में ही क्लियर करता है। एफ है, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, यानी जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें टीचर लर्नर को मोटिवेट करता है, उसे मोटिवेशन देता है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे हम इसे देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 था, यहाँ पूछा गया था, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एवलुएसन प्रोसीजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव एवलुएशन, यानी सुधारात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन और एक होता है सुधारात्मक मूल्यांकन, इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम द कोट। तो इसमें बी था, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक, यानी सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देता है टीचर। डी था, द टीचर क्लियरिफाइज द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ, क्लास में ही टीचर क्या करता है स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करता है। एफ था, द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन, टीचर क्या करता है क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से लर्नर को मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है। तो ये फॉर्मेटिव एवलुएशन से संबंधित है, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो सुधारात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पूछा था, अभिकथन ए यानी एसर्शन ए और तर्क आर अर्थात रीजन आर। यहाँ पूछा गया था, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। बिल्कुल, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। शिक्षण यानी टीचिंग, टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, अधिगम यानी सीखने को सुनिश्चित करना। तो कोई भी शिक्षण क्यों करता है, ताकि वो किसी को सिखा सके, ठीक है। तो समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, ये तो सही है। बी है यानी आर है तर्क, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये गलत है। समस्त शिक्षण यानी जो समस्त अधिगम है वो शिक्षण का परिणाम है, ऐसा नहीं है। सीखते हम केवल शिक्षण से नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें हम अपने आप भी सीख लेते हैं, किसी को हम दूसरों को देखकर सीख लेते हैं, कुछ हम अपने अनुभव से सीख लेते हैं, कुछ चीज़ें हम खुद सीख लेते हैं। तो समस्त जो सीखना है वो केवल शिक्षण यानी टीचिंग का रिजल्ट नहीं होता। तो जो इसका उत्तर होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है,
क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, लेकिन समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 है, देख लीजिए, ऑल टीचिंग शुड एम द इंश्योरिंग लर्निंग, बिल्कुल ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, नहीं, तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम 30 तक पहुँच गए हैं, उसके बाद एक यहाँ पर पैसेज आता है यू सेड नेट में, और इसको पढ़ के नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 31 to 35। पांच क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन दो दो अंक का होता है, तो ये काफ़ी सरल होता है, इसे भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं हल करने के तरीके आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है जब इस प्रकार का पैसेज आएगा, तो टाइम बचाने के लिए और करेक्ट आंसर पर पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको पहले इस गद्यांश को नहीं पढ़ना है, आपको पहले पढ़ना है क्वेश्चन और उसके विकल्प, फिर गद्यांश पढ़ना है, उससे आपको आंसर जल्दी मिलता है। तो सबसे पहले हम पांच क्वेश्चन पढ़ेंगे। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है, तो सारे विकल्प आप पढ़ लेंगे। विदेश में तैयार की गई परियोजना पर निर्भरता, लघुकालिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास, प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा, इस प्रकार से आप क्वेश्चन और उसके विकल्प पढ़ लेंगे। फिर दूसरा है, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा, कम प्रदूषण, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन या अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान, यहाँ पर कूट से आपको आंसर चेक करना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था हिंदी में, वो था प्रौद्योगिकीय आघातों के लाभ का परिणाम होगा, तो क्या होगा इसका लाभ का परिणाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है, तो जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था या सामरिक हित, आपको कूट से आंसर को पकड़ना है। अगला क्वेश्चन इसमें था, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना, भू राजनीतिक सोच विचार, विशाल उद्योग या प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। तो पांच क्वेश्चन थे, उनके आंसर आपको कैसे देने, जैसा आपने क्वेश्चन पढ़े उनके ऑप्शन पढ़े, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से गद्यांश को पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर आंसर आपको मिल जाएंगे, पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इनके आंसर बता देता हूँ, आप गद्यांश को पढ़ लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि वीडियो भी लंबी नहीं होगी। आपको मैंने हिंट्स दे दिया है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर गद्यांश पढ़ना है, कुछ आंसर ऐसे होंगे जो आपको गद्यांश पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगे, तब आपका समय बच जाएगा और आप सटीक आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा, उनके विकल्प पढ़े, फिर धैर्यपूर्वक ध्यान से फिर गद्यांश को पढ़ा, फिर आपको करेक्ट आंसर पढ़ जाएंगे, इससे आपको डबल मेहनत बचती है। नहीं तो आपको क्या करते हैं कई लोग, पहले गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर विकल्प पढ़ेंगे, फिर गद्यांश पढ़ेंगे, तो वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है, इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास। तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, पहले ध्यान से इसे देख लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा झूम इन कर देता हूँ ताकि आप पढ़ पाओगे, अब मुझे लगता पूरा गद्यांश आपको दिख रहा होगा, इसे आप पूरा देख लीजिए पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसे धैर्य के साथ पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होगी, कुछ शब्द टफ भी होंगे उसे समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसको फिर से झूम कर देता हूँ, अब उसके बाद नीचे हम हल करेंगे क्वेश्चन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है संकेंद्रित प्रौद्योगिकीय शक्ति का विकास। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं, चार विकल्प पढ़ने हैं, फिर गद्यांश पढ़ना है। अगला था, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, B, C और D, यानी मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होगी। जब प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति होगी तो किसका मार्ग प्रशस्त होगा, तो एक तो मूल्यवान जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बर्बादी होगी, क्योंकि हमारे पास जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो
हम प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, उनको बर्बादी करेंगे। उसके बाद सी इसमें था निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन होगा, ये भी एक विकल्प है इसका। और डी है अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान होगा। तो ये आप देख लीजिए प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा, इसका ऑप्शन है एक। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसे आपको ये हल करना है। उसके बाद आगे देखेंगे अंग्रेजी गद्यांश के, आपको यहाँ पर अंग्रेजी में मिल जाएंगे, हिंदी में हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अगला इसमें था प्रौद्योगिकी आघातों के लाभ का परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, प्रौद्योगिकीय आगतों के लाभ का परिणाम, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाना। तो यदि आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये उत्तर आसानी से मिल जाएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है। तो चौथा आयाम ऊपर था यहाँ पर, यदि आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा चौथा जो आयाम है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे इसने डबल इनवर्टेड कॉमा से इसे लिखा है। तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है, यदि आप पहले ऑप्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये मैंने नीचे क्वेश्चन में पढ़ा था, विकल्प में उसे तुरंत पकड़ दोगे, सबसे सटीक तरीका है ये हल करने का गद्यांश को। तो इसका उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दो, यानी ए सी डी। ए है जन आकांक्षाएं, सी है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, और डी है सामरिक हित। तो ये ऊपर गद्यांश में मेंशन्ड है शब्द, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। आखिरी क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित था, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए क्या आवश्यक है कि ऐसा रोजगार जो ज़्यादा उत्पादन दे, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर देख लेते हैं। 35 का ऑप्शन नंबर चार है प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। तो जब आप प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग करोगे तो आप अधिक उत्पादन वाला रोजगार पैदा कर सकोगे। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, तो यहाँ पर आप इसे अंग्रेजी में हिंदी में कैसे भी देख सकते हैं। तो ये हमने हल कर दिए हैं, अब आखिरी के तीन क्वेश्चन और हम हल करेंगे आज, और फिर जो आखिरी क्वेश्चन बचेंगे 12 उसे अंतिम पार्ट्स में हल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती है इसलिए मैं आज 38 तक कर रहा हूँ, फिर 39 से 50 तक हम आखिरी पार्ट्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 था, एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यह महिला राकेश की क्या लगती है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, तो रिलेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग का प्रश्न है थोड़ा सा, यदि आपको रिश्तों को समझना आता है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यह और महिला राकेश की क्या लगती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर दो है, बहन। तो आप हल कर लीजिए डायग्राम बनाकर, या जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आप उसको हल करिए। अगला क्वेश्चन इसमें था क्वेश्चन नंबर 37, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। तो मानव संप्रेषण यानी ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, ए बी सी ओ डी, यानी अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं, संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है, संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है, और संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर है, अंग्रेजी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसे समझ पाओगे। ये था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्समैन इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर दो है ए बी सी डी। ए इसमें था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। दूसरा था कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी, कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल पेनिशिया, और डी था कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। तो ए बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर होगा। आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे, पहले इंग्लिश में हम देख लेते हैं ताकि आप उसके बाद अंग्रेजी में और हिंदी में भी समझ पाओगे।
तो assertion यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसका रीजन दिया गया है। पूछा गया था यहाँ पर द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू इस्टेब्लिश इंटरेक्शन लेटर। रीजन था मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट स्टूडेंट आर लर्निंग। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है और आर क्या है सही है। हिंदी में भी आपको इसे बता देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ये था क्वेश्चन। पूछा गया था अभिकथन में शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। क्या पूछ रहा, शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए प्रारंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। गलत है ये। दूसरा था संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। तो संप्रेषण यानी संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ है छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण। तो ए गलत है लेकिन आर क्या है सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। तो आज हमने हल कर लिए हैं 13 क्वेश्चन। पहले के 25 क्वेश्चन हम कल के वीडियो में हल कर चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन नीचे और ऊपर आई बटन में पिन किया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। आखिरी पार्ट में हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। इन प्रश्नों का हल करने से आपको यूसेट और आने वाले यूजीसी नेट और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली सेट परीक्षा के सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। यदि आप वीडियो देख चुके हैं और आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या कमेंट नहीं किया लाइक नहीं किया तो अवश्य कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और योर सेलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।